फर्ज नमाज हो, वाजिब नमाज हो जैसे वितर, सुन्नत मुअक्कदा हो, गैर मुअक्कदा हो या नवाफिल हो, तमाम के अंदर सजदा साहब का एक जैसा ही हुक्म है। यानी अगर किसी के नफिल नमाज पढ़ते हुए को वाजिब छूट गया तो सजदा साहब उस पर भी लाजिम होगा, तो सजदा साहब उस पर भी लाजिम होगा। ये नहीं कह सकते क्योंकि नफिल नमाज थी तो लिहाजा सजदा साहब रह भी गए तो खैर, ऐसी बात नहीं है। वाजिब तर्क हुआ या कोई ऐसी ख़ता हुई जिसकी वजह से सजदा साहब लाजिम आता है तो भले नफिल नमाज हो इसमें भी सजदा साहब लाजिम आ जाएगा, इसके अंदर भी सजदा साहब लाजिम आ जाएगा। हमारे बहुत सारे भाई ये समझते हैं शायद नवाफिल और सुनन के अंदर सजदा साहब लाजिम आने से सजदा साहब लाजिम नहीं होता, हालांकि ऐसी बात नहीं है।